हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में पेश आए नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के केस में चार नाबालिग मुलजमीन को जमानत मिल गई। हैदराबाद की जुवेनाइल कोर्ट ने चार नाबालिगों की जमानत मंजूर कर ली। मालूम हुआ है कि जुवेनाइल कोर्ट ने माजी में दो बार उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर कर ली। हर नाबालिग को 5,000 रुपए की जमानत के साथ तफ्तीश में ताउन करने का हुक्म दिया गया। कोर्ट ने नाबालिगों को हर महीने DPO हैदराबाद के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 28 मार्च को जुबली हिल्स इलाके के एक पब में एक पार्टी में शिरकत करने वाली नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया पेश आया था, जिसमें 6 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें एक बालिग और 5 नाबालिग लड़के शामिल हैं। तेलंगाना के बहादुर पुलिस गुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट से एक आदमी को पानी में डूबने से बचा लिया गया और 100 फीट रोड पर पुलिस का पानी में जाकर इस आदमी को बचाया गया। मंगलहाट SI रामबाबू और हबीबनगर CIS सैयदलु बाबू और साथ में दत्तात्रेय नगर कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी और एक्स कॉरपोरेटर समद वारसी भी इस टीम के साथ मौजूद थे। पुल के आजू बाज अंदर की तरफ पूरा ये पानी में डूब गया। इंफॉर्मेशन मिले कि एक अननोन पर्सन पानी में डूब पड़ा बोल के इमीडिएटली हमारे मंगलाट एस राजू और अभी इंस्पेक्टर सैदा बाबू दोनों पानी में जाकर उनको बाहर लाया। उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को भेजा। उनका पर्टिकुलर्स तो अभी तो मालूम है, बाद में पर्टिकुलर्स मिलने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन उनको। मुल्क भर में मेडिकल MBBS नशस्तों के मामले में तेलंगाना को 7वां मुकाम, जबकि रियासत तमिलनाडु सरफहरिस जहां 10,725 नशस्तें जबकि 10,145 नशस्तों के साथ कर्नाटक दूसरे मुकाम पर है। महाराष्ट्र में 9,895 नशस्तें, उत्तर प्रदेश में 9,053 और तेलंगाना में 5,040 नशस्तें हैं। मरकजी हुकूमत सेहत व खानदानी बहबूद की जारी करदा रिपोर्ट में इसका इंकशाफ किया गया। रियासत तेलंगाना में आइंदा तिब्बी तालीमी साल में मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का हुकूमत ने फैसला किया है, जिनमें संगारेड्डी, मंचरियाल, महबूबाबाद, वनपट्टी, भद्रादरी, कोतागुड़म, जगतियाल, नागर कर्नूल, रामागुंडम शामिल हैं, जिसके जरिए 1200 नशस्तें दस्तियाब होंगी। ताहम नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की जानिब से इस नशस्तों की मंजूरी के हतमी फैसले का ऐलान किया जाना है। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेस। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तियाब। मजीद तफसीलात के लिए रब करिए 9849-363-888, 9390558802, 8686-78110, 8919-723020। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के दोनों जखायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के बड़े पैमाने पर अखराज के बाद मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव के पेश नजर शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुतबादल रास्ते अख्तियार करें। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने कहा कि मूसा मुस्रम बाग ब्रिज को बंद कर दिया गया। अंबरपेट काचीगुड़ा और मुस्रम बाग मलकपेट के दरमियान गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। दिलसुख नगर, मलकपेट, चादरघाट, कोठी रूट पर भारी ट्रैफिक देखी गई है। गाड़ी सवारों से दरख्वास्त की गई कि वो इन रूट्स को इख्तियार ना करें और मुतबादल रूट्स इख्तियार करें। मूसा नदी में पानी के बहाव में कमी के बाद मुस्रम बाग ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इम्कान है कि ये ब्रिज कल सुबह तक आवाम के लिए खोल दी जाएगी।
खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने भारत की नौमंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू को बाजाब्ता तौर पर मनसब सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की। भारतीय नई खातून सदर द्रौपदी मुर्मू ने सदारत का हलफ लिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय सदर को अलग अलग तहनियती पैगाम भेजे। दोनों शख्सियात ने सदर द्रौपदी मुर्मू को बतौर सदर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नेज भारतीय आवाम की तरक्की व खुशहाली की दुआ की है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।